Let's go! हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि राजा बेटा मनी मनी से ये पूछना चाहता हूँ मैंने इसका एक दो प्रोग्राम में गाने सुने हैं जी सर इसकी आवाज बहुत बुलंद है मनी कौन सा गाना गाने वाले हो आप सर मैं सॉन्ग गाने वाला हूँ तेरे संग यारा तेरे संग यारा अगर मैं आपको कहूँ कि तेरे संग यारा मत गाओ और कुछ और गाओ जो मैं आपको कहूंगा आप कर सकते हो जी सर मैं कोशिश करूंगा अच्छा आप कोशिश करोगे तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मुश्किल सा गाना देता हूं जो इन्होंने ही बनाया है नमस्ते लंदन का ओ जो राहत फतेह अली खान ने गाया था मैं जहां रहूं आप गाओगे जी सर व्हाट अ सॉन्ग तो चलिए मनी आप कोशिश करिए हम आपके लिए साथ हैं ओके धन्यवाद All the best, Mani. Thank you, sir.
थैंक यू सर. चक दे फटे ते नप दे गिल्ली. ओ आज से मनी का नाम मनी धर्मकोट. धर्मकोट इसलिए क्योंकि इसके आवाज में इसकी गांव की महक है. आहा, इसलिए आज से तेरा नाम मनी धर्मकोट. मनी धर्मकोट. मजा आ गया. मतलब बहुत ही बेहतरीन. तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया. कैसा लगा आप सबको? बहुत ही बढ़िया मनी. तेरी नसें पूरी नसें बाहर आ गई हैं. मैं कहता हूँ कमाल गाया तूने. बहुत बढ़िया बेटा. थैंक यू सर. मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती सर. जी. जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो इसका बैग पकड़ता हूँ तो मेरा बैग भी भारी होता है. जी. तो मैं फिर भी इसका बैग उठा लेता हूँ और ये सहेलियों के साथ आगे जाती जाती चॉकलेट खाती है और मुझे पूछती भी नहीं. ये एक बहन का हक होता है. बिल्कुल अलका जी. है ना? 100%. पर ये मेरी प्यारी बहन है. धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई. तो मनी आज रक्षाबंधन है. आज आपने अपनी प्यारी बहन को कोई गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं लेकर आऊँ. ऑफ कोर्स. यस लेकर आइए. मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना. मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना. अरे वाह, आराधना से थोड़ा ही छोटा गिफ्ट लेकर आए हैं आप. थैंक यू भैया. धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई. मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना. मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना. और मनी आपने स्पेशली यही गिफ्ट क्यों दिया? आप तो कुछ भी दे सकते थे. सर ये मेरी बहन को ये सब चीजों का बहुत शौक है पर नहीं ला पाए. जी. तो जो मुझे पिछले हफ्ते सर ने मुझे पैसे दिए थे तो जी. वो पैसे मेरे पास थे तो मैंने उससे ये खरीद लिया. थैंक यू बेबी. प्यारे राजू, कल गल करते वक्त एकदम याद आया कि 11 अगस्त की राखी है. तो स्टाफ नू कहता कि मां दे कमरे दी सफाई कर दे. बहुत कुछ पुराना मिलिया राजा. तेरे पुराने बॉक्सिंग ग्लव जो पाके तू मेरे उत्ते प्रैक्टिस करदा सी, मैनू नील दे देंदा सी. फैमिली दिया फोटो, तेरी पुरानी खूब सारी सहेलियां दिया फोटो भी, नाल कुछ कॉपियां भी जिन्हां ते तू रब जाने की उटपटांग लिखदा रहिंदा सी. ए सब वेख के मैनू लग्या कि तैनू एक चिट्ठी लिखा, वरना आमने सामने बड़ा मुश्किल लगता है इमोशनल गलां करन वास्ते. और नहीं तो जब तू मिलेगा फिर वही लूडो ताश खेलांगे, ना मैं कुछ कह पावांगी ना तू कुछ सुन पाएगा. ऐ ना समझ की सेंटी हो रही हूँ पर एक मन दी गल करना चाह रही हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग राजू. मिडिल क्लास घरां विच हमेशा कुछ ना कुछ कमी पैंदी है, पर माँ ने डैडी ने ते फिर तूने कदी उस कमी दा पता चलन ही नहीं दिता. डैडी दे जान तो बाद घर दा वड्डा तू ही सी. तू कदी लगन नहीं दिता कि डैडी नहीं हैगे. मेरे हर दुख सुख विच मेरे नाल खड़ा रहा, मेरा ख्याल रख लिया. और मेरा क्या सब दा. मैनू कदी सिमर ले कुछ खरीदन दी लोड़ ही नहीं पई क्योंकि तू ही सूटकेस भर के उदे आस्ते कपड़े ले आंदा सी. अपने पैरां ते चलना भी तेरे नाल ही सिखिया ते पैरां ते खड़े होना भी. दोस्त भाई बाप
सारे रोल निभाए तूने राजा। चल तू ख्याल रख अपना, बाकी 11 अगस्त नु मिलने राखी ते। और सुन अपना क्रेडिट कार्ड ना भूली, ना लेके आई। बहुत सारा प्यार अलका। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। We love you, राजू। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। शो शुरू करो। थैंक यू आनंद, थैंक यू। मेरी जब बहन पैदा हुई थी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इस बात को अपने जिंदगी में गांठ बांध लो कि आपके घर में जब बेटी पैदा होती है, बहन पैदा होती है, मेरे माँ बाप ने कहा था घर में देवी आई। Arenanda, this is in the history of music reality shows, बच्चों में इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। बच्चों के शो में ये लेवल का लेजेंडरी परफॉर्मेंस। तुमने रोंगटे खड़े कर दिए थे जैसे तुमने पहले एडलिब गाया। मेरी सांसों को जो महका रही है रीना जी, क्या गाने हैं, क्या लेगेसी है आपके गानों की, ओ माय गॉड। और जो सुर लगे तुम्हारे, ओ माय गॉड। हमारे बच्चे बेस्ट बच्चे एवर। वो जिस अंदाज से इस बच्ची ने गाया है, मैं अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच गई जब मैं शूटिंग कर रही थी और बिल्कुल खो सी गई मैं। इतनी प्यारी आवाज, नजर ना लगे बस तुमको।
रीना जी, आपने ये पहला गाना मेरी सांसों को जो महका रही है वो ऋषि जी के साथ था जी, जी। आपने उनके साथ इतनी फिल्में की है, इतना काम किया है, तो आपके कोई एक्सपीरियंसेस प्लीज। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इतना जोश था उनका, मतलब सेट पे जब वो होते थे तो मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, डांस परफेक्ट, एक्टिंग परफेक्ट, और अगर कोई चीज़ उनसे सही ना हो बहुत नाराज़ हो जाते थे। तो एक डांस था मेरा और उनका, क्या नाम है तेरा, टीना मीना टीना कुछ ऐसा करके, तो एक स्टेप बहुत डिफिकल्ट था, उसमें कमर का पोर्शन था, तो वो उनसे हुआ नहीं। वो इतने नाराज़ हुए कि कोने में जाके बैठ गए। फिर डांस मास्टर परेशान, प्रोड्यूसर परेशान, तो फिर मैं खामोशी से गई उनके पास। मैंने कहा सुन, ये जो कमर लटकाने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है, मर्दों का नहीं। उसके बाद वो रिलैक्स हो गया। कमाल है, दैट वॉज द थिंग। और उनकी यादें इतनी है, मैं उनकी याद में रोना नहीं चाहती, बस वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और हम सब उनको इतना चाहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आरे नंदा, तुमने दुनिया हिला दी। आरे नंदा, अपने लिए वोट्स मांग लीजिए। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट करें सोनीलिव ऐप या लॉगिन करें www.firstcry.com पर। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। थैंक यू आर्यनंदा, थैंक यू दानिश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।